So देखिए पैसे पैसे पर क्लोजिंग है ये स्टॉक आज बढ़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि 11 बजे सेट का फैसला आना था बी के ऊपर ऑर्डर अपडेट में वैसे भी टाइम लगता ही है सो so दैट धीरे धीरे टाइम घटता गया ये स्टॉक भी थोड़ा सा फिजल आउट होती गई वो बात तो अभी फैसला आ चुका है सेट की तरफ से आपको बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सेबी और सेट सॉरी सेबी और बैटको ग्रुप के लोग क्या कह रहे हैं सेट उसके ऊपर क्या दिए हैं इसके साथ साथ एक बढ़िया पॉजिटिव चीज है इसके अंदर बाकी सब अगर आप बात करें तो पूरा मैटर कैसा है पूरा मैटर न्यूट्रल है जो पहले था वही अभी भी है उसके ऊपर अब यहां पर जो है ना चीजें आनी मार्केट इसको कैसे लेगा वो उसको भी समझना है तो अभी आपके सामने वो पीडीएफ है जो कि सेट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी एप्लीकेंट के नाम देख लीजिए पहले एप्लीकेंट का अगर बात करी जाती तो वो रेड ग्रुप की तरफ से बोला जाएगा जो भी हो दूसरे एप्लीकेंट और तीसरे एप्लीकेंट आपके सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू बनते हैं ठीक है तो अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ नेगेटिव है काफ़ी कुछ नेगेटिव है कोई नई बात भी नहीं है वही सारी बातें हैं लेकिन मामला जो है वो सेट अब यहाँ पर मना कर चुका है सेट नहीं देखेगा सेबी ही आपका मामला देखेगी ये बात मतलब कंटिन्यू अब वो बात चलती हुई नजर आएगी जो एक राह दिखी थी कि भैया सेट से कुछ मामला सही होगा वो चीज़ें नहीं सात पन्ने की इस रिपोर्ट में छह पन्नों तक आप देखें सात का पहला अगर वहाँ तक देखेंगे तो सेवी और ब्रैटकों ग्रुप और एस की तरफ से बात कही गई है और उसके जवाब सेवी ने दिए हैं यानी कि जो जज जजमेंट देंगे उनको लास्ट में जो पैराग्राफ है वो जजमेंट है जजमेंट में साफ मैं बता देता हूं यहां पर क्या है साफ साफ ये कहा गया है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे जो सीरियस एलिगेशन लगी है उसके ऊपर जो छानबीन चल रही है वो भैया होगा कंपनी के ऊपर जो भी यहां पर मामला निकल के आएगा वो सिर्फ को और सिर्फ सेवी देखने वाली है सेट उसके अंदर दखल नहीं देगा एक पॉजिटिव चीज़ है यहां पर बाकी सब देखे तो सब कुछ पहले जैसा ही है कंपनी के ऊपर जो पहले से ही चीजें लगी हुई थी भाई जिस मैटर में थे वही मैटर है यहाँ पर पॉजिटिव क्या है उसको भी समझेंगे कंपनी क्या कह रही है इसको भी समझेंगे पहली बात कंपनी ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर ना हमको वापस यहाँ पर काम काज शुरू किया जाए हमें वापस जो है सीईओ सीएफओ की पोजीशन पर लिया जाए कंपनी की हालत ख़राब हो रही है क्यू टू की बात करी गई है इस रिपोर्ट में Q2 टू यहां पर डिस्टर्बन की जो बात करी गई है वो अभी भी बोला गया है कि Q2 के नंबर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं बिकॉज कंपनी के अंदर काम काज के लिए कोई भी नहीं है सीईओ नहीं है सी नहीं है कंपनी के अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करें तो वो नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें वो नहीं है अब यहां पर इन्होंने कहा है कि कंपनी जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है इधर ही लिखा होगा कंपनी जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है जिसे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं रन कर सकते हैं सो दैट एप्लीकेंट टू और बाकी जो एप्लीकेंट थ्री हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस कंपनी के अंदर सो दैट यहाँ पर जो है वापस लिया जाए कंपनी की सोलह सब्सिडरीज हैं और फोर हंड्रेड एम्प्लॉयज है ही हैज बिल्ट क्लाइंट रिलेशनशिप इन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एट टैक एंड विदाउट हिम एट दफ अफेयर द रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द कंपनी इज इंपेक्टेड ये वही चीज है जो कि बात करी जा रही है Q2 की Q2 की के नंबर कहीं ना कहीं बिगड़ चुके हैं ऐसा अब यहाँ पर अंदेशा मिल चुका है यानी कि इक्कीस तारीख को जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं उनमें बस यही देखना रह गया कि कितना बिगड़ चुके हैं कितना बिगड़ चुके हैं जब से यह खबर आई है कि इनको हटाया गया है यानी कि एप्लीकेंट टू और थ्री को यानी कि एसके आर और नारायण राजू को जब से हटाया गया है जब यह खबर आई तब से लेकर अभी तक 850 करोड़ का घाटा शेयर होल्डर्स का वेल्थ यहां पर जो है जा चुका है 850 करोड़ का घाटा शेयर होल्डर्स को मिल चुका है ओवरऑल घाटे की अगर बात करें तो चार हजार करोड़ का घाटा है इस कंपनी के मार्केट कैप जाने से लोगों को उसमें आपका प्रमोटर भी शामिल है उसमें आपका एफ आई भी शामिल है उसमें आपका रिटेल होल्डर्स भी शामिल है कैसे वो इसीलिए क्योंकि छत्तीस रुपए की अराउंड ये था छत्तीस रुपए पर खबर आई थी छत्तीस रुपए से ये चौदह रुपए तक आया अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है बीस बाईस रुपए की अराउंड यहाँ पर जो है लॉस था पर शेयर आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 200 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स में तो आपका अराउंड 4000 करोड़ का वेल्थ जो है इस कंपनी का वो बैप आउट हो गया था इस खबर के आने से और आगे अगर आप बढ़ोगे तो सेवी इसके ऊपर क्या कह रहे हैं सेवी ये कह रहे हैं कि भैया जो आप कह रहे हो ना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है आप नहीं हो सीईओ सीएफओ की पोजीशन पर मैंने आपको पहले ही यह कह दिया था आपको अंदेशा हो गया था अंदेशा का मतलब मैं ये कंपनी को समझ आ गया था कि अभी थोड़े टाइम बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सीईओ सीएफओ ओ ये अपने पद से इस्तीफा देना स्टार्ट करेंगे सेबी का ये कहना है कि जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे सो so दैट उनको तो हटना ही था और ये आपको भी पता था यानी कि ये बात कह रहे हैं सेबी एस के आर और नारायण राजू से कि भाई उनको हटना था ये आपको पहले से ही पता था आपको अभी तक स्टेप ले लेना चाहिए था जो कि आपने स्टेप अभी तक नहीं लिया आपको ये भी पता था कि आप और आपके सी एफ ओ ये भी हटाए जाएंगे आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी आपने कोई स्टेप लिया ही नहीं है कंपनी को मैनेज करने के लिए कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया ये सबसे बड़ी गलती थी ब्रैटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट की ब्रैटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट यहाँ पर जो है ना सबसे बाहिया मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐसा लग रहा है कि गली मोहल्ले में रहने वाले कंपनी चला रहे हो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो कह सकते हैं कि ये ना मतलब सवेरे सवेरे मुंह धुलकर और कंपनी आ जाते थे ऐसे लोग ये मैनेजमेंट चला रहे हैं ये कंपनी चला रहे हैं ऐसी मैनेजमेंट में ये शामिल है ऐसा लगता है कि एस के आर को जरा सा भी रत्ती भर फर्क नहीं था सारा काम फोन पर ही करते थे ऐसा लग रहा था सो so दैट ये मेरा कहना है मतलब इस ऐसे ऐसा इस, इस, लगता है कि जो मैनेजमेंट में लोग शामिल थे और सबसे बड़ा कल्परेट जो है वो एस के आर उनकी तरफ से तो ऐसे ही लग रहा है कि वो मजाक मजाक में कंपनी चला रहे हो मतलब वो अपने रूल्स यहाँ पर जो है ना पूरे लागू करते थे सेंसर जैसा कि बस भाई उनका एम्पायर है सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा ये शेयर होल्डर्स क्या होते हैं ये क्या होते हैं जब ये बात आपको पता थी कि कंपनी का यहाँ पर जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ये जब काम नहीं कर रहे हैं और इनका कोई रोल नहीं रह गया है बहुत ज़्यादा तो भाई उनकी जगह लाओ अच्छे लोगों को खुद भी अटने वाले हो जरा उसकी व्यवस्था करो कंपनी के लिए कंपनी की तरफ से कोई यहां पर स्टेप्स लिए ही नहीं गए हैं सो दैट ये सेवी का ये से का कहना है दूसरी बात सेवी का कहना है कि जो आप एलिगेशंस लगे हैं ना ये एप्लीकेंट के ऊपर ये ग्रेव है इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ना एक सीरियस कह सकते हैं सीरियस यहाँ पर जो है ना प्रिफ्रेंशल अलॉटमेंट को लेकर आरोप है इनके ऊपर तो जो भी इनके ऊपर लगे हैं आप भी कह रहा है कैसे से भी कह रहा है कि भैया हमने रसीद मांगी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की इन्होंने फर्जी रसीद दी बैंक से बैंक की बनाकर जो कुछ भी है भाई इन्होंने फर्जी रसीद दे दी ताकि कैसे भी बचा लिया जाए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे एक बड़ा फिर बदल 500 से 600 करोड़ का यहां पर बताया जा रहा है जो कि मोटी रकम है भाई 500-600 करोड़ रुपए बहुत होता है बात यह आ जाती है कि ये पब्लिक मनी है पब्लिक मनी यह कंपनी के लिए यूज होना है ये आप कैसे बचा कैसे रहे हो सो so दैट ये सबसे बड़ी बात आ जाती है टैक्सेस को बचाना तो वैसे भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना एक मैटर फंस जाता है तो उसमें ये तो प्रेफरेंशियल अलाटमेंट से लेकर यहाँ पर जो है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सो so दैट यहाँ पर जो है अभी हम इनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर होगा भैया आगे की इन्वेस्टिगेशन इनका यही कहना है बाकी एक अच्छी बात यहाँ पर क्या है एक अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पर और ये कहा गया कि ये देखिए अवेयर थे ये सभी लोग आपके जो भी नंबर्स बिगड़ रहे हैं या जो भी है वो भाई आगे का देखेंगे बात को बात है वो आपके ऊपर था एट्टी टू में से यहाँ पर 22 अलोटीज़ का यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो पॉइंट आउट किया गया था सो दैट यहाँ पर जो है ना आगे बढ़ेगा भैया मामला ये सबसे बढ़िया है कि एस खुद ही आकर बता दें कि यहाँ भैया फेरबदल किया गया था तो भाई सारा मामला यहीं ठंडा पड़ जाएगा कुछ पेनल्टी लग जाएगी जिसे हटना है उसे हटा दिया जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें अभी सॉल्व हो सकती है विद इन आर विद इन आर के अंदर सॉल्व हो सकती है सब कुछ लेकिन ये इंसान ये घटिया इंसान है जो अभी भी ये नहीं मान रहा है कि यहाँ पर गलती कर दी है जब तक ये नहीं मांगा से भी निकाल लाएगी अच्छी बात क्या है इसमें अच्छी बात भैया ये है अच्छी बात यह है कि यह सारा मामला प्रिफ्रेंशियल अलॉटमेंट तक है प्रिफ्रेंशियल अलॉटमेंट तक ही है यानी कि आपके रेवेन्यू तक ये मामला नहीं खींचा ये यही सिर्फ एक पॉजिटिविटी है आपके लिए बाकी सब कुछ आप कहें तो जैसा था वैसा का वैसा ही है कुछ नया नहीं है सब कुछ वैसा ही का वैसा ही है हालांकि इसको मार्केट कैसे लेगा वो देखना है बट ये एक अच्छी बात है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक है पेनल्टी वेनल्टी लगकर जो भी अलॉटमेंट करे गए हैं यानी कि जो शेयर्स जारी करे गए हैं वो सब कुछ वापस हो जाएगा ध्यान रखिएगा वारंट इशू जो करे गए थे वो सब कुछ वापस आपस होगा जो भी यहाँ पर होना है वो सेविंग करेगी पैसे यहाँ पर जो है काफ़ी बर्बाद हो गए थे मतलब पैसे वसूले जाएंगे इनसे पेनल्टी मतलब इनके हाथ से गए ही गया है आएगा कुछ भी नहीं अब ये तो भूल जाए कुछ इनके हाथ आएगा आएगा कुछ भी नहीं सो so दैट देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर यहां पर सबसे बढ़िया बात यही है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक की मामला है लेट सी अब ये अपने आप से मान ले तो ज्यादा बेहतर है बाकी यहां तक अगर सीमित है तो यहां पर शायद कुछ भी आपको प्रेसर नहीं देखने मिल रहा है मार्केट ये और एज्यूम कर सकता है कि भाई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक है सारी चीजें ये रेवेन्यू तक बात नहीं आ रही है तो शायद मार्केट इसको चीयर करता हुआ नजर आए शेयर्स करता हुआ नजर आए ये बात आप समझिए प्रेफरेंशियल अलॉट का मामला ये सिर्फ और सिर्फ एट हंड्रेड करोड़ तक का मामला है हमारी पूरी जो आशाएं हैं वो भाई रेवेन्यू और प्रॉफिट से जुड़ी हुई हैं वहाँ तक बात नहीं जा रही है तो बस इतना ही पॉजिटिव है हमारे लिए यही बिगेस्ट पॉइंट है बाकी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ये उनसे निपटो जाकर हमारा जो टाइम गया इधर वो चलो ठीक है कम से कम इसमें पैसे जाने वाली बात नहीं है बाकी क्वार्टरली नंबर्स में कितना डिस्ट्रप्शन हुआ है ये देखना है सो दैट ऑलरेडी 90 परसेंट स्टॉक जो गिरा है उसका रीजन ही यही है अब देखते हैं ये Q2 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं इक्कीस तारीख में ज़्यादा टाइम नहीं लग रह गया है कितना यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि Q3 में किस तरह डिस्टर्बशन है Q4 तक ये कितना बात जा सकती है एक अंदाज़ा यहाँ पर जो है ना लग जाएगा दो क्वार्टर तक का एटलीस्ट दो क्वार्टर यानी कि आठ महीने तक का एक अंदाज़ा यहाँ पर लगने वाला है सो so दैट तैयारी कर लीजिए लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर आप क्या क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कहिएगा प्लीज़ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में क्या कहने वाले हैं अब इंपॉर्टेंट लेवल आपको पता ही होगा उन्नीस सौ रुपये बीस पैसे उन्नीस रुपये बीस पैसे अठारह रुपये बस इस पर नज़र रखिए सुमीद है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपके क्या क्या है इसके ऊपर मैं सुन गई और अब जाए बीजिए देखने के लिए बहुत तो धन्यवाद दोस्तों